बंधी हुई है, तो पागल हो गई जो तो इससे इस शक्ल देख, इसके कपड़े देख, इसके से पता है स्टैंडर्ड क्या होता है। पैदल आया तेरे को प्रपोज करने, पैदल। यार वो एक गरीब इंसान है जिसके पास कुछ भी नहीं है, वो तुझे क्या खिलाएगा? पता है रेडी के छोले कुलचे खिला सकता है वो सिर्फ तुझे, और कुछ नहीं है इसके पास। गाड़ी भी नहीं तुझे घुमाने के लिए, रिक्शे में घुमाएगा, घूमियो, मैं तो नहीं घूम सकती। हाँ, अब तो मुझे तेरी औकात पता ही चल गई, क्योंकि मेरी फ्रेंड कभी झूठ नहीं बोल सकती। तेरी औकात तो दिख ही गई कि तू वहां से पैदल से उठ के मुझे प्रपोज करने आया है। अबे तू तू फिर आ गया, बोला था ना पिछली बार शक्ल मत दिखाइयो अपनी, अब जा खड़ा क्या है? बट यार मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ पे हो, मैं तो यार इसके लिए आया था, और इसने मेरे को बोला था कि यार मिलना है, तो मैंने सोचा प्रपोज भी कर दूंगा। तू ये तेरा बॉयफ्रेंड है? जी मैंने तुझे बताया था ना मेरा एक्स वो यही था, फॉर टीचर, कुछ नहीं है ना तेरे पे। यार उसके सामने ऐसे क्यों बोल रही हो? तेरे को पता है ये तुझे ना रिक्शे में घुमाएगा, इसके पास कुछ नहीं है, ना गाड़ी है ना बाइक है, इस वजह से मैंने इसे लात मार के छोड़ा था। यार तुम उसको ऐसे क्यों बोल रही हो? यार जो सच है वो बोल रही हूँ, तेरी आंखों पे ना पट्टी बंधी हुई है, तू पागल हो गई जो तू इससे इस शक्ल देख, इसके कपड़े देख, इसके से पता है स्टैंडर्ड क्या होता है। पैदल आया तेरे को प्रपोज करने, पैदल। छी यार मुझे तेरे से ये उम्मीद नहीं थी। तुम उसको ऐसे क्यों बोल रही हो? उसको एक बार उससे उसको बोलने दो कि वो बोलना क्या चाह रहा है। यार वो एक गरीब इंसान है जिसके पास कुछ भी नहीं है, वो तुझे क्या खिलाएगा? पता है रेडी के छोले कुलचे खिला सकता है वो सिर्फ तुझे, और कुछ नहीं है इसके पास। गाड़ी भी नहीं है तुझे घुमाने के लिए, रिक्शे में घुमाएगा, घूमियो, मैं तो नहीं घूम सकती भाई। बट यार घुमाने की, गाड़ी की, बंगले की बात यार बाद में आएगी, पहले तो यार हमारी तो फर्स्ट मीटिंग थी, और फर्स्ट मीटिंग में तो यार जैसा कि तुमने बोला था मेरे को कि यार मेरे को तुमसे मिलना है, तो मैंने सोचा यार मिलते टाइम एक फ्लावर लेते चलूंगा, इतनी सी बात थी। इसने तुझे बताया था कि इतना गरीब है? नहीं बताया होगा क्योंकि इसकी तो आदत है, मुझे भी ऐसे इसने बेवकूफ बनाया था। हाँ, अब तो मुझे तेरी औकात पता ही चल गई, क्योंकि मेरी फ्रेंड कभी झूठ नहीं बोल सकती। तेरी औकात तो दिख ही गई कि तू वहां से पैदल चल के मुझे प्रपोज करने आया है। यार अंशिका तुम इसके भड़कावे में आ रही हो, और वैसे भी सुनो तू मेरा साथ नहीं रहा, वो मेरी बहुत सालों से फ्रेंड है, तो ऑब्वियसली मैं उस पर ट्रस्ट करती हूँ। यार तुम्हारी फ्रेंड मेरी एक्स रह चुकी है, और मुझे पता है एक एक्स अपने एक्स के लिए कितना जहर उगल सकती है, वही कर रही है ये। एक्स रह चुकी है ना, उसने तेरे को किसी मतलब से ही तो छोड़ा होगा, वरना वो छोड़ती क्यों? अरे मैंने इसको इसी मतलब से छोड़ा क्योंकि इसका स्टैंडर्ड ही नहीं है यार। आज तो मेरी गाड़ी देख रहे हैं, मैं किस गाड़ी के पास खड़ी हूँ? अच्छा तूने तो देखी भी नहीं होगी ना ऐसी गाड़ी, तेरे लिए न्यू है ना ये गाड़ी? हाँ यार चल कोई बात नहीं, आज देख ले जी भर के। एक्चुअली ये मेरी बॉयफ्रेंड की गाड़ी है, तुझे नाम पता है इस गाड़ी का? नहीं पता होगा। अरे इसको कहाँ से पता होगा, इसकी तो औकात ही नहीं है, पैदल जो चल के आ रहा है यार। और हमारा स्टेटस तो बहुत हाई लेवल का, यू नो ना? या आई नो, तभी तो मैं मना कर रही हूँ तेरे को इस टीचर से फ्रेंडशिप करने को। और अगर तू इस टीचर से फ्रेंडशिप करेगी ना यार, तो तेरे को पता है मेरा स्टेटस ना ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा। यार पता है मैं एक गलती कर रही थी, पर मेरे को तेरे पे ट्रस्ट है, तो इसलिए मैं तेरी बात मान रही हूँ, वरना मैं इसके साथ। यार मेरी बात सुन यार, कुछ ट्रस्ट व्रस्ट नहीं है, और इसका कुछ नहीं है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ये ना तो मैं इसके पास हूँ और ना ये तेरे पास जाने देगी। हेलो, पहले तो धीरे होके बात कर, ठीक है ना? तमीज में हमारे से ऐसे बात करने की जरूरत नहीं है, हमारा हाई लेवल है, आपने लेवल देखा है? ये ना गलती इसकी नहीं है, ये लो स्टैंडर्ड वाले लोग ना होते ही ऐसे हैं, औकात जल्दी दिखा देते हैं बेचारे। मतलब एक तो कुछ औकात भी नहीं, और ऊपर से हम पे चढ़ रहा है ये गाड़ी देख। यार तुम मेरे बोलने के टोन को गलत क्यों ले रही हो? और एक बात बताऊं, बहुत टाइम हो गया तुमको ये सुनते सुनते, औकात औकात हैसियत, और ये तुम्हारे बॉयफ्रेंड की गाड़ी है ना ये? हाँ है। तो कहाँ है तुम्हारा बॉयफ्रेंड? आ रहा है अभी। तुझे क्या, तू निकल यार, तू टीचर को देख रहा है, तू क्यों बोल रहा है? तो मैंने तेरे को मना कर दिया ना, तो तू क्यों खड़ा है हमारे सामने? सुन छिपकली सी शक्ल की, पहले मेरी बात सुन ले। पहली बात तो तेरे को प्रपोज करने का कोई मन नहीं बना था, लेकिन तभी तो तू वहां से चल के आया था। सुन तो ले पहले, लास्ट टाइम ना मैं तो सोच ही रहा था कि यार लड़कियां होती हैं ऐसी यार नंबर एक की बेवफा, बट फिर भी मैंने सोचा कि यार एक बार मिल के देखता हूँ, शायद 100 में से कोई एक लड़की गलती से भगवान पैदा ऐसी कर दे जो मेरे लायक प्यार करने लायक हो। लेकिन तू भी यार उन 99 में से ना 100 वाली बेवफा निकली। और रही बात औकात की, तो जिस गाड़ी पर खड़ी है ना वो गाड़ी मेरी है, और नाम तो यार वाकई नहीं पता होगा क्योंकि मर्सिडीज तुम्हारे नसीब में नहीं होती ना। और क्या कह रही थी, मुझे प्रपोज नहीं करेगी? अरे तेरे जैसी लड़कियों को प्रपोज करूंगा अब मैं, चल हट साइड में।
really sorry, मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारी कार है यार। एक्चुअली मैं तो तेरी एक्स हूँ ना, तो फिर प्लीज यार तू हाँ बोल दे, नाम मत बोलियो। देख एक बात तूने सही बोली कि ये गाड़ी तेरे बॉयफ्रेंड की है, लेकिन तू ये भूल गई कि ये तेरे एक्स बॉयफ्रेंड की है। और आज भी मैं तुम जैसी एक्स को ना मुंह नहीं लगाता। चल अब दफा हो रहे।